नहीं क्या हुआ, तुम्हारी क्यों हवाएं उड़ी हुई है? मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो तीन चार लड़के मेरा पीछा करने लगे थे। मैं कितनी दफा कहा है अकेली आया जाए मत करो, माहौल देख रही हो, खुदा ना खास्ता कल कल आपको कुछ हो गया फिर क्या होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इसे छोड़ दिया करूंगा यार। अरसलान भी तो वहीं जाता है, उसके साथ क्यों नहीं आ जाती? अरसलान अपने दोस्तों में बिजी था। और जीशान आप कब तक मुझे लाना ले जाना करते रहेंगे? आप ऑफिस नहीं जाना आपको? ये ठीक है भाई जीशान, ये जिम्मेदारी इसकी लाने ले जाने की तुम उठा लो। अरसलान तो वैसे ही गैर जिम्मेदार है। ठीक कह रही, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं होते। बकवास मत कर। ये देखो खुद ही अपनी बात से मुकर गए। चाय पिएगा? नहीं चाय नहीं पी रही। अम्मी मुझे। ओहो आज तो जीशान भाई भी बैठे हैं, खैरियत है? इतना जल्दी किस तरह? घर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं समझे ना, तुम तो रात को देर से आते हो, पता नहीं क्या कर रहे होते हो। तुम्हें पता है सम्राट के साथ क्या हुआ है कल? क्या हुआ? सब खैरियत है सम्राट, क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है सम्राट के पीछे का गुंडे लग गए थे। तुम्हारी शान में तो गुस्ताखी हो जाएगी अगर तुम उसको साथ ले जाओगे, है ना? खैर मामा मैं कल ऑफिस जाने से पहले अब इसको लेके जाया करूंगा साथ अपने, सही है? और वापस लेके भी आऊंगा। इसने बताया कि नहीं? हाँ हाँ तुम तो घर पर ही थे ना जो मैं तुम्हें बताती। कोई होश है तुम लोगों को मेरा? लेकिन यार एक फोन तो किया जा सकता था ना। यार राइट, मैं गुंडों को कहती भाई भाई एक सेकंड रुको, मैं अपने भाइयों को कॉल करके बुलाती हूँ ताकि वो मुझे बचाएं। बस बस फजूल में बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जीशान भाई आप आराम से ऑफिस जाएं, इन्हें मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करूंगा और वापस भी ले आया करूंगा। वैसे भी आपका काम होता है, आप ये दो दो ड्यूटी कैसे करेंगे? क्यों तुम क्यों लेके जाओगे? अरसलान भी तो वही जाता है, ये भी तो मुझे ड्रॉप कर सकता है, इसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं मुझे शर्म आती है, मेरी सारी गर्लफ्रेंड सोचेंगी मैं किस लड़की को लेके आया हूँ साथ। देख रही है आप खाला जान, देख रही है इसे 20-25 साल से देख रही है, कौन सा पहली दफा देख रही है। जीशान तुम्हें ऑफिस जाना होता है तुम ये जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? अरसलान ये नहीं कर सकता तो मैं समरा को ड्रॉप कर दूंगा और दोपहर को ले भी लिया करूंगा। ठीक है डैड मुझे जरा देर हो रही है मैं चलता हूँ। मेरी क्लास 11 बजे होती है, क्यों आप लोग मेरी नींद हराम कराना चाहते हैं? चलो देख रहे हैं आप जरा, घर के बच्चे होते हुए घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और वो दोस्त होते हुए कह रहा है कि मैं छोड़ने जाऊं, हद हो गई। यानी लेकिन मैं नहीं चाहता कि जुनैद सिमरा के ज्यादा करीब हो। मक्खन लगा दोस्त ले लिया। समझ में नहीं आ रहा, ईमेल चेक करती हूँ। ये कौन है? हाय डियर समरा, जब से तुम्हें देखा है मैं इस कश्मकश में हूं कि खुदा ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है या जिस सांचे में तुम्हें बनाया उसे तुम्हारी तकदीर के बाद तोड़ दिया है कि तुम जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा ना हो। तुम्हारा हुस्न आंखों को हैरान कर देने वाला है, तुम्हारी आंखें इतनी शफाफ है इसमें समंदर की गहराई और आसमान की बुलंदी नापी जा सकती, तुम्हारी जुल्फों को घटा कहना इनकी तौहीन होगी, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और स्याह है। तुम बोलती हो तो जैसे हजारों जल तरंग बज उठे हो। Anonymous? ये कौन है? कोई शायर ही लगता है, अभी सर्च करती हूँ।
क्या बन रहा है जी? अपनी पसंद का खाना या फिर खाला जी की पसंद का? सबकी पसंद का। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या पसंद है? एक मिनट मैं बताता हूँ। चाइनीज, राइट? वैसे आपकी पसंद और नापसंद का मुझे काफी पता है, जैसे कि आपका फेवरेट कलर क्या है? कौन सा? ब्लैक ऑफ कोर्स। और मिल्क शेक में आपको पसंद है बनाना शेक यानी केले का शेक। अच्छा ये बताएं कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? आपको पसंद है? जब आपको सब पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है तो ये भी आप ही बता दीजिए। मुझे तो लगता है मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद हूँ। बिल्कुल भी नहीं। ना मुझे चाइनीज पसंद है, ना मुझे बनाना मिल्क शेक पसंद है, और ना ही मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, और ना ही आप मुझे पसंद है। सारी आपकी खुशफहमियां हैं। दो सालों का हिसाब लगाना चाहती हूँ कि किसका रवैया मेरे साथ किस तरह से था। मीन अरसलान? नहीं, अरसलान जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो तो बहुत लाओबाली है, किसी भी बात को सीरियसली लेता ही नहीं है। और अगर उसे ये पता लग गया ना तो वो सब कुछ मजाक में उड़ा देगा। तुमने वो क्या नाम बताया था उसका, अरसलान का दोस्त? जुनेद। जुनेद को यहाँ आए हुए 4 महीने हुए, वो बिल्कुल ठीक ठाक मुझसे बात करता है, हंसता है, वो क्यों ये मेल करेगा? ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो ये तमाम चीजें तुम्हारे सामने खड़े होकर नहीं बोल सकता हो। जीशान वो काफी खामोश तबीयत लगता है, शायद वो करता हो। नहीं नहीं, जीशान नहीं हो सकता, उसके अंदाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यूनिवर्सिटी का भी तो कोई लड़का हो सकता है ना। सैम के बारे में क्या ख्याल है, शायद वो करता हो? आर यू मैड? बिल्कुल भी नहीं यार, ही इज नाइस, वो भी तो कर सकता है ना। प्लीज बाबा। ओ ही इज हॉट, बट ही इज नॉट। ओ कम ऑन प्लीज, ही इज, इवन आई लाइक हिम, यू नो, गो अहेड। कितनी गिरे अब बाप, कितनी गिरे अब बाप की। चाय 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 चाय। ये बात, तुम हमेशा चाय उस टाइम पे लाती हो जब सख्त तलब हो रही हो, तुम्हें पता कैसा चलता है? मैं सब जानती हूँ। और सुना? You're right. एक बात बताओ सुना, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर रोज तुम अपने दोस्त के साथ मुझे यूनिवर्सिटी भेज देते हो। क्यों, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरा दोस्त है, इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जाए। एमी तो नहीं उसे इजाजत दी यहाँ रहने की? वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे लिए तो गैर है ना। अच्छा तो ये सोचो कि अब्बा और अम्मा ने उसे इजाजत दी। अब्बा को तो कोई एतराज नहीं, उनको नहीं पता वो कैसा आदमी। इतना पुराना दोस्त है मेरा, 20 साल से जानता हूँ उसने, 20 साल से। मैं उसके घर बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ जैसे वो यहाँ रहता है। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम मुझे उसके हफ्ते छोड़कर चले जाते। यार फिर वही मुर्गी की एक टांग, तुमने यूनिवर्सिटी जाना ना, मेरे साथ जाओ या किसी और के साथ फर्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके हर जगह तो नहीं फिर सकता। खालू चाय? हाँ भाई, तुम्हारे हाथ की चाय तो जरूर पियेंगे। अभी लेकर आती हूँ, खाला को भी बुला लेती हूँ। सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मेरी बात सुन। कहिए, सुन रहा हूँ मैं।
मैं ये कह रही हूँ कि जिशान हमारा माशाल्लाह कमाने लायक हो, इसकी शादी कर। जुमा जुमा चार दिन हुए उसे कमाते हुए, थोड़ा कमा लेने दीजिए। सारी जिंदगी पड़ी गई कमाने के लिए, और समरा को भी तो काफी अरसा हो गया हमारे घर में है। और फिर जिशान समरा को पसंद भी करता, दोनों की शादी कर दे। ये भी ठीक है, लेकिन बेगम मैं मुनासिब नहीं समझता। क्यों बन? देखो बेगम, समरा के बाप की तमाम दौलत और जायदाद उसकी है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने दौलत के लालच में आकर अपने बेटे की शादी उससे कर दी। दुनिया वालों का क्या है, वो तो हर हाल में बातें बनाएंगे। मैं तो वो करूंगी जो समरा के हक में बेहतर हो। अभी सब्र कीजिए, अभी उसकी तालीम भी मुकम्मल होनी। तौबा है भाई, पढ़ लेगी, और जिशान कौन सा उसे रोक रहा है पढ़ने से, पढ़ा देगा उसे, बस छोड़ देना। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, सिमरा से भी तो उसकी मर्जी मालूम करनी है। आप जाके सो जाइए, मैं ये किताब खत्म करके ही सोऊंगा। क्यों, मैं क्यों सो जाऊं? मैं टीवी देख लेती हूँ, रिमोट पकड़ा जरा, मैं जाके सो। बिला वजह आवाज हल्की रखिएगा। अच्छा, आज तो कोई ईमेल भी नहीं है, ये कौन है? अगर इन तीनों में से कोई है तो, लेकिन अगर कोई और लड़का है, बात कर कर देखती हूँ, लेकिन पीछे लग गया तो। हाय समरा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, क्या तुम भी? अरसलान फिर समरा को लिए बगैर चला गया। कोई बात नहीं डैड, मैं समरा को छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना है, मैं समरा को छोड़ दूंगा। नहीं, वो मैं जुनेद के साथ चली जाऊंगी, वो भी नहीं जा रहा है। अरसलान ने तो रोज का तमाशा बनाया है, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं ले और लेकर आती हूँ। चलो कालू, मैं सिर्फ बैग ले लूँ, नाश्ता कर लूँ, फिर चलते हैं। जल्दी करो। समरा, वो नमक मिर्च है? हाँ, मैं लेके आती हूँ। मेज बहुत पाबंदी से आ रही है। चलो, तुम्हारा क्या जाता है? तुम देखना, जिस दिन मैं पकड़ा गया ना, देखना मैं क्या असर करती हूँ उसका। तुम्हें खुशी नहीं होती अपनी इतनी तारीफें सुनकर? पागल नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह। पता है, समझदार हो, पर इस मामले में तो मात खा गई ना। ऐसा कुछ भी नहीं, उस चोर को तो मैं पकड़ कर ही दम लूंगी, और अगर इस घर का कोई लड़का है वो तो मेरे सामने आएगा ही। मुझे नहीं लगता इस घर का कोई लड़का होगा, पर ना बात करने की कोशिश तो करता ना। लेकिन चाची, उसकी बातें पढ़कर तो ऐसा लगता है कि वो मेरे आस पास ही है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। खाला बना रही है। ओके, चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ ओके, कल मिलते हैं। हाँ बाय। हाय खाला जान, अकेली बैठी बोर हो रही, सोचा तुमसे बातें कर। उदास जाती हूँ मैं। उदास है? हाँ उदास तो नहीं, लेकिन चाहती हूँ घर में कुछ रौनक सी हो जाए। एक काम करते हैं, सारा फर्नीचर इधर से उधर करते हैं, कुछ फ्रेशनेस आएगी।
लगता है तुम बिल्कुल थकी भी नहीं। काम में कौन थकता है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई। अम्मी याद आ रही है, वो दोनों होते ना तो। मैं उनके घर पे होती, आपके साथ ना होती। आपको पता है खाला जान, मुझे कभी अम्मी की याद नहीं आती, क्योंकि आपने मुझे कभी अम्मी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। ये बच्चे चले उठे, चेंज करते हैं। अरे बैठी रहो, टीवी में भी देखती तुम्हारे साथ। तुम गुनगुनाते हो, सर्द और खुश्क मौसम में बरसात की तरह सुपर बूंदे बरसाते। आज सुर्ख चोड़े में अप्सरा लग रही थी। सुर्ख चोड़ा, लेकिन मैंने तो आज पिंक चोड़ा पहना था। आ जाए। वो क्या क्या कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं, लॉन में चले, मैं कॉफी बना रहा हूँ, पियेंगे? इतनी मेहरबानी क्यों? वो अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी तो कॉफी जरा अच्छी बन जाएगी, उसके बाद आराम से ठंड में बैठ के मजेदार कॉफी पियेंगे। नवाब साहब, आप लॉन में चले, कॉफी मैं बनाकर लाती हूँ। नहीं, मैं बाकी तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अच्छा, किचन में तो चलो चलो। अच्छा, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी। ये तीसरा कप किसके लिए? ये तीसरा कप मेरे लिए। आइए भाई साहब आइए, आप तो ऑफिस वाले हो गए हैं, आप तो नजर ही नहीं आते, मुलाकात ही नहीं होती आपसे। हाय यार, बस ऑफिस में बहुत सारा काम है। खैर, तुम लोग सुनाओ क्या चल रहा है। अच्छा भाई, ये बताएं कि मुझ पे ब्लू ज्यादा सूट करता है या रेड? तुम पे तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। नहीं ना, मतलब जो मैंने सुबह पहना था वो कैसा लग रहा था? तुमने सुबह कौन सा रंग पहना था? भूल गए ना आप, इन्होंने पिंक पहना हुआ था, अच्छी लग रही थी, लेकिन रेड ज्यादा अच्छा लगता है ना? रेड? कौन सा रेड? मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक बहुत सूट करता है आपके ऊपर, ये ब्राइट कलर्स ना पहना करो। क्या किया तुमने, सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे। चलो ये अच्छा हो गया कि तुम उठ गए हो, अब तुम मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहा। यूर इम्पॉसिबल, तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, उसके ऊपर से फिर तैयार हो। क्या बातें कर रहे हो, गलत आइडियाज मत दो यार, तुम पे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, लाइट कलर्स पहना करो, तुम गलत आइडियाज नहीं दिया करो। अच्छा सर, प्लीज प्लीज प्लीज, लड़ने की जरूरत नहीं है, कॉफी ठंडी हो जाएगी। जुनैद, तुम्हें पता है भाई गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। मैं गाना वाना नहीं गाता कोई, क्या पता थी? अरे झूठ तो नहीं बोले, परा की शादी पे आपने सबको हैरान कर दिया था गाना गा के। आप चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं? हाँ, रिग्रेट करेंगे अगर मैंने गाना शुरू कर दिया। अच्छा तो आप भी गाना गाती हैं? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा गाना गाती है, तुम गाना गा लो ना प्लीज। जान चुना रही, गा लो ना प्लीज। नहीं ना प्लीज, आप गाए ना। अच्छा सुना देता हूँ, कौन सा सुनाओ? जुनैद तुम बताओ ना। वो है ना, कभी तो नजर मिलाओ। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी।
तो समझ भी जा, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कितनी गिरे अब बाकी दिन हो गए नेल कलर नहीं लगाया। हाय, हाय, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। अभी कॉल करती हूँ। जुनैद, शान, अरसलान, इन तीनों में से जो भी मिस कॉल्स का जिक्र नहीं करेगा ये वही है। आई होप अरसलान हो। प्लीज 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 प्लीज।
क्या तुमने मुझे इस टाइम पे कॉल की? खैरियत तो है? जी वो मैं चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। फोन करके चाय के लिए? खैरियत तो है, तुम सही तो हो ना? है? अच्छा खैर वो प्रॉब्लम ये है कि सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो चाय नहीं पी सकता, नींद आएगी ना, लेकिन कल ये प्रॉमिस। जी बनाओगी मेरी? थैंक यू, बाय। ये तो नहीं हो सकता। कुछ ढूंढ रहे हो? मुझे देर हो रही है, जल्दी चले। मेरा मोबाइल पता नहीं रात को कहाँ रख दिया था। कमरे में देखा? यार कमरे में तो मैं देख चुका हूँ ना, वो कल रात जरूर लॉन में होगा। मैं बस दो मिनट में लेके आता हूँ, सॉरी तुम इतना वेट करवा रहा हूँ। ये तो नहीं है। समरा ये क्या है? रात के दो बजे मिस कॉल? वो रात के दो बजे की मिस कॉल अब देख रहे हैं जनाब, और अब पूछ रहे हैं बेचारी को रात को कुछ हो जाता तो। अच्छा सॉरी, देखो फोन चार्ज पे था, अभी देखिए मिस कॉल। बताओ क्या हुआ, खैरियत? रातें बातें, अब क्या बताओ? यार मैं घर पे ही था, मुझे आके बता सकती थी। मुझे बताओ हुआ क्या? वो एक्चुअली मुझे रात को भूख लग रही थी, सोचा तुम्हें बैल मार दूं, फिर रियलाइज हुआ कि तुम सो चुके होगे, सो चलो अच्छा ही हुआ, पैसे बच गए मेरे। क्या सोच रही हो समरा? इन तीनों में से कोई नहीं लगता। क्या मतलब नहीं लगता या नहीं है? नहीं लगता, ये शायद हो भी सकता है। अगर इनमें से कोई है तो वो बहुत अच्छा एक्टर है। What do you think? अरसलान कैसा एक्टर है? क्या मतलब? भाई तुम तो इन्हें जानती हो ना बचपन से, और जीशान भाई को भी पता है इनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में। लेकिन शान जी, जीशान भाई तो बहुत सीधे साधे आदमी है, ऐसा नहीं कर सकते। अलबत्ता अरसलान हो सकता है। रियली? तो फिर तो खुशियां मनाओ ना, तुम तो चाहती ही यही हो। लेकिन अगर जुनेद हुआ तो? इग्नोर कर देना ना यार, आई गेस तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी शादी अरसलान से करवा दे। हाँ ये तो है, मगर अब क्या मसला? आई गेस फिर तुम उसे ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो फिर तो वो शख्स है, बोलो। कैसी हो? ठीक हूँ।
क्या कर रही हूँ? डिनर पे छुट्टी? भूख लग रही थी यार। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी भूख लग रही थी। लैपटॉप के साथ? वो मैं एक्चुअली एक बड़ी इम्पोर्टेंट ईमेल का वेट कर रही थी। आप खाए? वाले गर्म कर दूँ? नहीं थैंक यू। वो अंदर फ्रेश एयर नहीं थी, हवा लेने आई हूँ ठंडी। हाँ मैं भी फ्रेश एयर लेने आया था। अच्छा मैं चलती हूँ। कितनी गिरे खोली है मैंने, कितनी गिरे अब बाकी हैं, कितनी गिरे खोली है मैंने, कितनी गिरे अब बाकी हैं,
पांव में पायल, बाहों में कंगन।